नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि बापू यानी महात्मा गांधी ने पूरे देश को प्रेम के साथ जीना और सच के लिए लड़ना सिखाया है। आज वे लोग उन्हीं के दिखाए रास्ते पर चल रहे हैं। केरल के वायनाड से कांग्रेस सांसद ने ये बातें मंगलवार को भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान बिहार में कही। राहुल गांधी ने इससे पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में कहा था, आज ही के दिन नफरत और हिंसा की विचारधारा ने देश से उनके पूज्य बापू को छीना था और आज वही सोच उनके सिद्धांतों और आदर्शों को भी हमसे छीन लेना चाहती है। पर नफरत की इस आंधी में सत्य और सद्भाव की लौ को बुझने नहीं देना है, यही महात्मा गांधी को हमारी सच्ची श्रद्धा अंजली होगी। रोचक बात है कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा बिहार में ऐसे समय पर हो रही है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए में शामिल हो जाने से लोकसभा चुनाव से पहले आईएनजीआईए गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के पहले दिन सोमवार को राहुल गांधी ने बिहार के किशनगंज जिले में प्रवेश करते हुए निकटवर्ती अररिया में रात्रि प्रवेश किया। बता दें कि सुबह में यात्रा के दूसरे दिन पूर्णिया में इस दौरान उन्होंने बापू की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उसके बाद यात्रा को आगे बढ़ाया। कांग्रेस नेता ने रास्ते में कुछ किसानों से भी बात की और उनकी समस्याओं को जानने समझने का भी प्रयास किया। जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी ने वहां रैली के दौरान भाजपा पर जुबानी हमला बोला। बिहार में कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान के अनुसार सुबह में पार्टी के सबसे पुराने और सबसे भरोसेमंद सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल के नेता अभी रैली में शामिल होंगे। कांग्रेस की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के अनुसार लालू और उनके बेटे तेजस्वी दोनों रैली में शामिल होते, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि ईडी द्वारा उन्हें भेजा गया समन उनकी पूर्णिया यात्रा को टालने के लिए ही था।